ओके हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रसल चैटर। तो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं WWE से जुड़ी कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग और मसालेदार अपडेट्स के बारे में, जहां हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट शो में क्या स्टेटस है ब्रॉक लेसनर का, क्या वो नेक्स्ट शो के एपिसोड में अपियर होंगे। इसके अलावा ब्रॉन स्ट्रोमन ने याद किया रोमन रेंज को और एक काफी इंटरेस्टिंग फोटो पोस्ट करी अपनी और रोमन रेंज की। इसके अलावा इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे केन रिसेंटली अपियर हुए WWE के लाइव इवेंट पर। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, इसे लास्ट तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं द बिग रेड मशीन केन के बारे में। आप लोग जानते हैं केन WWE में अब ज्यादा एक्टिव नहीं रहते और उसके पीछे का आप लोग रीजन भी जानते होंगे, अगर आप लोग हमारे चैनल पर एक्टिव चैटर हैं, कि नॉक्सविल पर अब वो मेयर के रूप पर काम कर रहे हैं, जिसके चलते WWE में आना उनका ज्यादा पॉसिबल नहीं है। लेकिन रिसेंटली WWE का रॉ ब्रांड का लाइव इवेंट हुआ था, वो नॉक्सविल में था और यहां पर हमें केन अपीयर होते हुए दिखाई दिए, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस वाली फोटो में। यहां पर हमें सबसे पहले सेथ रॉलिंस ने इंट्रोड्यूस किया केन को और उसके बाद WWE ने यहां पर $100,000 का चेक दिया और ये दिया चेक उन्होंने नॉक्सविल पब्लिक सेफ्टी फाउंडेशन के लिए। तो ऐसे में देखकर काफी अच्छा लग रहा है कि WWE यहां पर केन को पूरा सपोर्ट कर रही है। नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि जुड़ी है रोमन रेंस एंड ब्रॉन स्ट्रोमैन से। आप लोग जानते हैं रोमन रेंस को यूके में WWE में एक्टिव नहीं है। वहीं बात करें ब्रॉन स्ट्रोमैन की, तो इस समय WWE के अंदर वैसे ही काम कर रहे हैं। तो रिसेंटली उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर ये वाली फोटो पोस्ट करी, जो कि आप लोग देख सकते हैं इस समय आपके स्क्रीन के ऊपर। यहां पर एक तरह से रोमन रेंस हमें देख रहे, ऐसा लग रहा है कि वो सुपरमैन पंच मारने वाले ब्रॉन स्ट्रोमैन को। साथ साथ यहां पर कैप्शन उन्होंने लिखा है #dirtydancing। अब यहां पर देखकर लग रहा है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन ने सिर्फ मजे के लिए इस फोटो को पोस्ट किया, जहां रोमन रेंस सुपरमैन पंच मारने वाले थे, लेकिन जिस तरह की फोटो क्लिक हुई है ब्रॉन स्ट्रोमैन को शायद कुछ इंटरेस्टिंग लगा और उन्होंने ये पोस्ट कर दी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर। कहने का यही बता रहे हैं कि स्टिल वो रोमन रेंस को नहीं बोले और ये फोटो पोस्ट कर उन्होंने बताया कि कैसे वो रोमन रेंस को अभी भी याद करते हैं। कमेंट करके आप लोग मुझे बताना कि इस फोटो के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं। अब बढ़ते अपनी मेन एंड फाइनल अपडेट के ऊपर, जो कि जुड़ी है नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ से। आप लोग के काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई ब्रॉक लेसनर के स्टेटस को लेकर कोई अपडेट, कि क्या वो वाकई नेक्स्ट शो के एपिसोड में अपियर होंगे, हमें ब्रॉन स्ट्रोमैन एंड ब्रॉक लेसनर कोई कन्फ्रंटेशन देखने को मिलेगा। तो आपको एक बिल्कुल सिंपल सी थ्योरी बताता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, अगर कोई WWE बड़ा मैच बिल्ड करती है, और क्योंकि रॉयल रंबल एक बड़ा पेपर व्यू है और वहां पर यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच, जो कि रॉ का सबसे बड़ा टाइटल है, और ये मैच होगा ब्रॉक लेसनर वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन दो हैवीवेट्स के बीच। अगर WWE इस मैच को अच्छे से बिल्ड करना चाहते हैं, तो सिंपल सी यहां पर थ्योरी है कि हो सकता है हमें दो बार ब्रॉल देखने को मिल जाए ब्रॉक लेसनर एंड ब्रॉन स्ट्रोमैन की, जहां एक बार WWE ब्रॉक लेसनर का पलड़ा भारी दिखा सकती है और एक बार वो ब्रॉन स्ट्रोमैन का पलड़ा भारी दिखा सकती है। इससे होगा कि दोनों सुपरस्टार को WWE रॉ पर पहले से लगभग सेम तरीके से बुक करेगी और दोनों को ही जब भारी दिखाया जाएगा, तो ऐसे में WWE को काफी अच्छी हाइप, काफी अच्छी हम लोग बोल सकते हैं रॉयल रंबल के इस मैच के लिए हाइप मिलेगी, जो कि यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए होने वाला है। तो ऐसे में अगर WWE दो बार ब्रॉल करवाना चाहती है, तो हो सकता है नेक्स्ट शो के एपिसोड में हमें सरप्राइज एंट्री देखने को मिल जाए ब्रॉक लेसनर की, और उसके बाद हमें ब्रॉक लेसनर एंड ब्रॉन स्ट्रोमैन की ब्रॉल देखने को मिले, जहां हो सकता है ब्रॉक लेसनर भारी पड़े या फिर हो सकता है ब्रॉन स्ट्रोमैन भारी पड़े, और उसके बाद रॉयल रंबल से पहले जो रॉक एपिसोड होगा वहां पर भी ब्रॉक लेसनर अपीयर होंगे, जिसके बाद हमें दूसरी बार ब्रॉल देखने को मिलेगी रॉक एपिसोड में, जिससे WWE दोनों ही सुपरस्टार को एक एक रॉ में मौका दे सकते हैं कि वो भारी पड़ते हुए दिखाई दें अपने ओपोनेंट सुपरस्टार के ऊपर। अगर WWE की ऐसी थ्योरी है, तो फिर ऐसे में हम लोग कह सकते हैं कि नेक्स्ट शो के एपिसोड में काफी अच्छा चांस है कि ब्रॉक लेसनर अपीयर होंगे। वहीं दूसरी ओर हम ये भी देखें कि ब्रॉन स्ट्रोमैन शायद भी उतनी तरह से पूरे फिट नहीं है, तो हो सकता है WWE उन पर रिस्क ना लेना चाहती हो, और अगर WWE ब्रॉन स्ट्रोमैन का फिजिकल दिखाने नहीं चाहती, तो फिर ऐसे में हम लोग कह सकते हैं कि नेक्स्ट शो के एपिसोड में ब्रॉक लेसनर का आने का चांस थोड़ा सा कम है, बिकॉज आखिर वो सिर्फ चले जाए फिर से रॉ के एपिसोड की तरह करें, जैसे हमने लास्ट शो में देखा था कुछ नहीं हुआ था, तो उसका मुझे लगता है कि ज्यादा कोई सेंस बनेगा। तो देखते हैं एग्जैक्टली क्या बड़े सेगमेंट प्लान है नेक्स्ट शो के एपिसोड के लिए, जब अपीयर होंगे ब्रॉन स्ट्रोमैन। तो बस आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक किए बिना तो कहीं मत जाना। कमेंट करके आप लोग बताना कि आपके क्या थॉट्स हैं नेक्स्ट शो के एपिसोड को लेकर, आपको लगता है ब्रॉक लेसनर अपीयर होंगे और नेक्स्ट शो के एपिसोड के लिए आप लोग कितना ज्यादा एक्साइटेड हैं। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से WWE के अपडेट्स, न्यूज़, रूमर्स और काफी सारे इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलती रहे। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।